ਪੋਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਲਈਏ ਹੋ ਕੈਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਚਮਕ ਨਿਰਾਲੀ ਪੋਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾੜੀ ਲਈਏ ਹੋ ਜਿਸ ਕੀ ਚਮਕ ਨਿਰਾਲੀ ਜਿਸ ਕੀ ਚਮਕ ਨਿਰਾਲੀ ਜਿਸ ਕੀ ਚਮਕ ਨਿਰਾਲੀ ਨਿਵੋਲੀ ਕੇ ਦੇਵਰ ਮੇਰੀ ਸਾੜੀ ਲੈਣਾ। ਸੁਭਾਸ ਬੋਲਿਆ ਭਾਬੀ ਕਿਸ ਰੰਗ ਕੀ ਸਾੜੀ ਲੇਗੀ ਕਲਰ ਬਤਾ। ਤੋ ਭਾਬੀ ਕਹਿਤੇ ਕਿ ਦੇਵਰ ਏਕ ਰੰਗ ਕੀ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤੀਨ ਰੰਗ ਕੀ ਸਾੜੀ ਚਾਹੀਏ। ਉੱਪਰ ਸਫੇਦ, ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀਆ, ਬੀਚ ਮੇ ਸਫੇਦ ਔਰ ਨੀਚੇ ਹਰਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗੀ ਸਾੜੀ ਔਰ ਸਾੜੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਬਤਾ ਦੀਏ ਕਿ ਲਿਖ ਦਿਆ। ਅਰ ਸਾੜੀ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਸਾੜੀ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਮੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਸਭੀ ਆਰੀਏ ਹੋ ਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਤਿਲਕ ਗੋਖਲੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਏ ਹੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰਿਏ ਹੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰਿਏ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਟੇਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਹਸਤੇ ਹਸਤੇ ਜੇਲੋ ਅੰਦਰੇ ਪੜਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹਸਤੇ ਹਸਤੇ ਪੜਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਪਾਲੀ ਪੋਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾੜੀ ਲਈਏ ਹੋ ਜਿਸ ਕੀ ਚਮਕੇ ਨਿਰਾਲੀ भाई आशीष और भाई अमित जी के द्वारा आपने सुनी। आइए साथियों दूसरी कड़ी हमारी पार्टी की बड़ी बेहतरीन गायिका मैडम अनुराधा जी आपके बीच में रखेंगी। कितनी सुंदर तरीके से डोली मार के नेतरे आजाद हो चुका है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो आज तक भी पूरी तरह से आजाद नहीं, क्योंकि किसी शायर ने लिखा है कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। जिस देश में गंगा बहती हो उस देश का पानी भी आजकल बोतलों में बिक रहा है। सुनिए इस देश की कैसी हालत हो गई कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। अरे पुराना मानो तो खुले अल्फाज कह दूं, कुछ गद्दारों के हाथों हमारा ये प्यारा वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। कैसी बता सुनिएगा। वीर चंद्रशेखर रे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह
चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह रास बिहारी बोस भी हो लाला लाजपत राय लाहौर में फिटता हुआ निर्दोष भी हो राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए मैं जोश भी हो राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए मैं जोश भी हो जलिया वाले बाग का झलसा जलिया वाले बाग का झलसा टायर फायर करता हो भारत का बदला लेने लंदन में शेर बिचरता हो उधम सिंह की गोली ते लंदन में टायर मरता है डायर मारा आप ही मरा गया ना मारे तो की खाली कोश ऐसी सारी लादे जिसकी चमाते निराली कोश ऐसी सारी लादे जिसकी चमाते निराली जिसकी चमाते निराली जिसकी चमाते निराली कोश ऐसी जिसकी चमाते निराली जी सुभाष चंद्र बोस के किस्से की श्रागनी पर जावली की सरदारी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आइए साथियों अगली कड़ी आपके बीच में रख रहा हूँ निवेदन करता हूँ एक एक शब्द पर गौर फरमाएंगे के बताया सरपंच साहब इरे राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो जगदेव पमार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो जगदेव पमार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो और श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे गीता का ज्ञान सुनाते हो स्वामी देव दयानंद महाराज सोता देश जगाते हो राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो अरे राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो भाई सती पद्मिनी उस खिलजी को भारत की नारी जाति का भारत की नारी जाति का प्यारा इतिहास बनाती हो सती पद्मिनी उस खिलजी को चेहरा नहीं दिखाती हो अरे चिंती जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो चिंती जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो चित्तौड़ किले के अंदर जिसने चितारे बना ली बोस ऐसी सारी लाद हो जिसकी चमाके निराली हो जिसकी चमाके निराली हो जिसकी चमाके निराली बोस ऐसी सारी लाद हो जिसकी चमाके निराली
भाई साहब मान सम्मान करके गए, बार बार धन्यवाद करता हूँ। आइए अगली कड़ी भाई सतपाल नागर जी के द्वारा आपके बीच में होगी। क्या लिखा भला? हे रामायण रे, महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी है। आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा और सामी खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा और सामी खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो। मजदूर किसानों का नेता संग छोटू रंग भी संग में हो। भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंग में हो। भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंग में हो। शादी रोध के नक्शे में सब उठे हारी पारी बोती हसी साड़ी लाभ हो। जिसकी चमक निराली है, जिसकी चमक निराली बोस हसी साड़ी लाद हो, जिसकी चमक निराली। जोरदार ताली।